आज की तारीख में बॉलीवुड और देश में सलमान खान के स्टारडम का क्या पावर है, ये तो सभी जानते हैं। सलमान खान इकलौते ऐसे स्टार हैं जिनकी फैन फॉलोइंग के आगे कोई स्टार नहीं टिक पाता। इस साल ईद पर सलमान खान की फिल्म रेस 3 रिलीज होने वाली है और लोगों का उत्साह अभी से ही देखने लायक है। इसके अलावा सलमान खान अली अब्बास जफर की अगली फिल्म भारत की शूटिंग शुरू कर चुके हैं। अब सलमान खान से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि उनकी अगली 4 फिल्मों की सैटेलाइट राइट्स 400 करोड़ में जी नेटवर्क ने खरीद लिए हैं। इस 4 फिल्मों में रेस 3, भारत, किकटू और सलमान खान की एक और फिल्म है जिसे वो जल्द ही साइन करने वाले हैं। इससे साफ पता चलता है कि हर फिल्म की सैटेलाइट राइट 100 करोड़ में बेचा गया। ये बॉलीवुड की अब तक की सबसे महंगे सैटेलाइट राइट्स डील मानी जा रही है। आपको बता दें कि सलमान खान की 5 फिल्में टाइगर जिंदा है, ट्यूबलाइट, सुल्तान, प्रेम रतन धन पाए और बजरंगी भाईजान बैक टू बैक टेलीविजन पर 1 करोड़ इम्प्रेशन पाने में कामयाब रहे, जो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। इस डील के तहत सलमान खान कुछ प्रमोशनल शो भी शूट करेंगे। सलमान खान इन दिनों रेस 3 के क्लाइमेक्स को शूट करने के लिए लद्दाख में थे। अब सलमान अगली फिल्म भारत की शूटिंग शुरू करेंगे और सलमान ही अपने अगले टीवी शो 10 का दम में भी नजर आएंगे। रेस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म रेस 3 में सलमान खान पहली बार नजर आएंगे और फिल्म के पोस्टर भी रिलीज किए गए हैं जिसमें सलमान खान काफी शानदार लुक में नजर आ रहे थे। इसके अलावा फिल्म में बॉबी देओल, अनिल कपूर, जैकलिन फर्नांडिस और डेजी शाह भी मुख्य भूमिका है। तो देखना काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है कि ये रेस 3 जो मूवी उनकी 15 जून को रिलीज़ होने वाली है उसका ट्रेलर जो पोस्टपोन कर दिया, जो आज रिलीज़ होने वाला था नेक्स्ट वीक रिलीज़ होगा, कब तक ये ट्रेलर आता है और कैसी ये मूवी के अंदर एक्शन होते हैं। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो।